Grandma, give me the ball. Grandma, what's going wrong? Grandma. पैर में चोट तो नहीं लगी? दूसरा पैर दिखा, ये क्या है? ये तो गुलाल लगता है। शांता, 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 क्या है अम्मा? शांता कहाँ है? शांता तो चक्की गई है अम्मा आटा लाने के लिए। जैसी हुआ उसे कहने जगह साफ कर दे, उमा जाके पैर धो लो। क्या है अम्मा? गुलाल है, उमा के पैर चप्पल में लगा हुआ था, देखो कितना अपशगुन है। क्या रहे? मेरी क्या? आप क्या सोचते हैं? अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन करें। जरूर। अच्छा, गुड नाइट सर। क्या हुआ? क्या कह रही है? उमा, 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 शाला हराम ज्यादा की गलती थी। पंचायत बैठी तो देखना था, कल मैंने 7 महीने में बच्चा पैदा कर दिया। हमने खुद किया उस हरामी को, कल्याण में आग लगा दी थी उसने। मैंने देखा उस साले पेच लिया, 4 साल के बाद उसके हाथ में कीड़े पड़ गए थे। क्या कीड़े? और क्या हो सकता है? और वो छिनाल करी अम्मा, पाटिल के लड़के को गन्ने के खेत में नदी के इस पार ले गई थी। पाटिल ने तो लड़के को घर से बाहर निकाल दिया था, भगवान को मरते दम तक हैरान किया। उमा, हरिदास शरीर। सुबह चलो तुम लोग हाथ मुंह धो लो, खाना खाएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं अम्मा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। मैं भी। फिर बाहर खाना खा के आया ना? नहीं तो, बाहर खाया? नहीं। चल छूटे कहीं के। चलो पहले हम नहाते हैं, खाना अच्छा लगे तो बाद में खाएंगे। ए रंजा, आ। उमी, मेरा बदन तेरे लिए तरस रहा है रे। उमी, क्या कर रही है? चल मेरे साथ। उमी, चल, जा, मेरे को लेके जा। अरे, चल, अरे, उमा, उमी क्या हुआ? चल, तुम बीच में मत जाओ, ज्यादा भड़क उठेगी। चल, मत जा, अंदर चल, उमी चल, उमी, मुझे अंदर ले चल। चल, चल, को बुलाता है रे। अरे जा 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 बुढ़े, तेरी दवाइयां खत्म हो गई है। बुढ़े,
तेरा मेरा किस्सा खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें कितनी खुशियां दी है। ये जवान चाहिए। छोड़ो ना तू। नहीं शर्म, छोड़ मुझे। छोड़ दो। बच्चा, बच्चा, शर्म शर्म ना छोड़ो। छोड़ मुझे। सब गड़बड़ किया आपने। अरे मैंने क्या गड़बड़ किया? दो चार गोटी गई। क्वीन कहाँ है तुम्हारा? स्ट्राइकर कहाँ जाता है? तुम तो देख के खेला करो ना, कंसंट्रेशन के साथ। अच्छा बाबा देख। अब देखो हाँ, ये अब ये दूसरी तो ऐसी जाएगी। देखा ना, ये जाएगी जाएगी। देखा ना, मैंने कहा था। अरे कोई बात, तुम्हारे लिए एक रहेगी बस। नंदू के लिए तीन तो नंदू नहीं जाएगी, हम ही जीतेंगे। हाँ मैं ये देखो जीतने वाले। हाँ। तो क्या हुआ? ए, ये तो फ्लूक से गई है। अभी दो बार एक गई तो क्या हुआ? अरे दो नहीं जाएगी ये, नहीं जाएगी। बहुत मुश्किल है ये। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। चलो ले लो। अरे वाह, तुम तो वाकई चैंपियन हो। 17-26 बस, अब और सिर्फ एक बोर्ड लेना है। ओके ओके, इन दोनों की छुट्टी कर। बहुत गहरा है। क्या कहा? ये कुआं बहुत गहरा है, मुझे उसका सड़ा हुआ मुंह दिख रहा है। कितने लोग उसे खींच कर निकाल रहे हैं, सब कोई छू रहा है उसे। अरे चन्नी रो रही है, कोई उसे चुप करो। हाँ हाँ महादेव अम्मा कुएं में कूद गई थी, उसके पेट में बच्चा था, वो अपने आप से भाग रही थी। उसने अपनी जान दे दी। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुमने उसे भागने पर मजबूर किया, तुम्हारे कारण वो कुएं में कूद गई। तुम जिम्मेदार हो उसके मौत के। उमी, उमी, क्या बक रही हो? मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। उसकी उंगलियां मछलियों ने नोच ली है। हटाओ, ले जाओ उसे कोई यहाँ से। उफ, क्या बदबू आ रही है। उसका जिस्म गल गया है। क्या तब भी बदबू आ रही थी जब तुमने उसे छुआ था? लेकिन नहीं, तब उसके खून में गर्मी थी, उसका जिस्म जिंदा था। तुमने उसमें एक छोटी सी जान और पैदा कर दी और वही उसके मौत का बहाना बन गई। जेनी माँ के लिए जोर जोर से रो रही है, कोई उसे उठा लो, ले जाओ उसे यहाँ से कोई। बताओ, उसके खून में गर्मी थी ना जब तुमने उसे छुआ था? बताओ, बसवा की बीवी की जवानी से किसने खेला? जेनी की माँ की लाचारी का किसने फायदा उठाया? तुमने, सिर्फ तुमने। बताओ, तुम कहाँ थे जब वो कुएं में कूदी थी? तुम तब क्यों नहीं आए जब वो उसका गला हुआ जिस्म खींच कर निकाल रहे थे? तुमने क्यों नहीं सुनी वो भयानक चीख जब उसकी जान निकल रही थी? देखो देखो, भाग गया। उमी, देखो उमी। देखो चेहरा पता पर भाग गया। इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है जो पुट्टाचारी नहीं कर सकता, लेकिन पहले मैं उस बदनसीब कन्या को देखना चाहता हूं। देखिए, मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए, हम दूसरा कोई इंतजाम कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। दूसरा कोई भी इंतजाम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपका कष्ट तो बहुत मामूली सा है पुट्टाचारी के सामने, आप चिंता मत कीजिए। अम्मा, अब मैं आ गया हूं, आप भूल जाइए कि आपकी बेटी को कभी कुछ हुआ था। आओ हमारे पास आओ, आओ। अरे रे रे रे, बहुत अन्याय हुआ है इस छोटी सी बच्ची के साथ। ये दुष्ट आत्माएं भोली भाली लड़कियों को ही पकड़ लेती हैं। घबराओ नहीं, आओ बैठो बैठो।
कितना हैरान किया है बेचारी को। मैं अवश्य इसे बचाऊंगा। अम्मा, मैं आपसे एकांत में कुछ पूछना चाहता हूं, अगर श्रीमान जी आज्ञा दें तो। अम्मा, यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं। हाँ। आपकी बेटी पर किसी मर्द का साया तो नहीं पड़ा? हाँ। अभी तक वो एकदम कवारी है ना? हाँ। एक पूजा कवारी लड़कियों के लिए है। हाँ। जिसका असर बहुत जल्दी होता है, और दूसरी विवाहित लड़कियों के लिए जिसमें थोड़ा समय लगता है। हाँ। ये देवी पूजा है अम्मा, बहुत सोच समझ कर होशियारी के साथ करनी होगी। कुंवारी है ना आपकी बच्ची? शिर, शिर, शिर। उमा बिल्कुल कुंवारी है, उसकी उम्र क्या है, वो बिल्कुल बच्ची है। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। अब आप बिल्कुल चिंता मत करें, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं कल तक के लिए उसके गले में एक तावीज बांध दूंगा, और फिर कल हम बड़ी पूजा करेंगे। आप अभी अंदर जाकर एक अगरबत्ती ले आइए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब आप बिल्कुल चिंता ना करें श्रीमान, आपकी बच्ची बिल्कुल पहले जैसी खिल जाएगी। अब निश्चिंत हो जाओ बच्ची, बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। अब तुम्हें कोई हैरान नहीं करेगा बच्ची। चलो रामा, अच्छा हुआ तुम मिले, न जाने तुम्हें कहां कहां ढूंढा मैंने। देखो रात बहुत हो गई है, तुम जाके सो जाओ, कल सवेरे अम्मा से मिलना। अरे दरवाजा खुला है। उम्मी, रामा उम्मी नहीं है, नहीं बाथरूम में भी नहीं है, देखो कहीं अंदर बाहर हो तो। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो, क्या उम्मी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है, बाहर का दरवाजा खुला है। कहाँ गए उम्मा? डैडी, 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 जल्दी उठे। उम्मा, उम्मा लापता हो गई है, जल्दी से पुलिस को फोन कर दीजिए। नहीं नहीं, हम ही तलाश करेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। उमा का आसपास कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, जल्दी कीजिए। डैडी, मैं पुट्टाचारी का घर जा गया था, शायद वो हमारी मदद कर सके। चलो पता नहीं इसमें क्या मुसीबत आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जल्दी कुछ कीजिए ना। क्या कर सकते हैं सर, पहले नंदू को तलाश तो करने दो, उसे नहीं मिली तो पुलिस को फोन करते हैं। जरा ठहर जाओ ना, आप यूं ही बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, उमा आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। यहाँ मेरी जान जा रही है और आप एक ही बात कहे जा रहे हैं, ठहरो ठहरो, पता नहीं मुझे क्या सुनने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। क्या है? पुट्टाचारी घर में है, मुझे उनसे मिलना है। वो बाहर गए? कहाँ गए हैं, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं? अरे तुमको क्या करना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, जल्दी बताओ। पहले आप बताओ क्या काम है, फिर मैं बताता हूँ। क्या कहा, बता दे। No!
कोई तांत्रिक है, इसे तोड़ना होगा बाबा, इसे फौरन तोड़ना होगा। रामजादे तेरी ये हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरी जान ले लूंगा। रहो, दूर रहो, तुम देवी पूजा नहीं तोड़ सकते, तुम बर्बाद हो जाओगे, देवी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। मैं चले जाओ यहाँ से। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तेरा खून पी के रहूंगा, छोड़ दे तू उसे। ये अभी नहीं छूट सकती और तुम इसे ले जा भी नहीं सकते, ये यही रहेगी, समझे? उम्मीद तुम बुझे हो गए हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, चले जाओ यहाँ से। मैंने 15 साल प्रतीक्षा की है इस घड़ी की और तुम इसे एक क्षण में तोड़ रहे हो। इस कुंवारी कन्या में वो सारे अच्छे गुण है जिससे देवी ने आना स्वीकार किया है, तुमने देवी को नाराज किया है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, चले जाओ यहाँ से। बिना गिनी प्रेम छूदा नाम, चले जाओ यहाँ से। पुलिस आ रही है, तुमने जुर्म किया है, जाओ यहाँ से। तुम बैठ नहीं पाओगे, तुम्हें जेल के अलावा खानी पड़ेगी, जल्दी छोड़ दो इसे। दूर हट जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ दूर हट जाओ यहाँ से। इसे कुछ हो गया है, उठाई नहीं जाती। वो नहीं उठाई जाएगी, उसमें देवी जाग चुकी है, वो स्वयं देवी हो गई है, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। दूर हट जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ। जिसे दुष्ट कभी नहीं छिपा सकते, छोड़ दे अपना जादू, नाश कहीं के। उमका, उमका, तावीज, तावीज को हाथ मत लगाओ, तुम भस्म हो जाओगे। कभी दूर हट जाओ यहाँ से, तावीज को हाथ मत लगाओ। ओम विनागिनी प्रेत भूतानाम पंचभ्य, ओम विनागिनी प्रेत भूतानाम पंचभ्य, ओम विनागिनी प्रेत भूतानाम पंचभ्य, ओम विनागिनी प्रेत भूतानाम पंचभ्य। हे माते मेरी पूजा पर थोड़े से बचाओ, ओम विनागिनी प्रेत भूतानाम पंचभ्य। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, तुमने देवी पूजा भंग की है, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं जन्मेगा, तुम्हारे वंश का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, तुमने आखिरी क्षण तोड़ दिए, तुम्हारा दिया हमेशा के लिए बुझ जाएगा, ये तुम पर श्राप है। अम्मा, अम्मा, मैं उमा को विलायत ले जाऊंगा, वहां उसका इलाज करवाऊंगा, अगर नहीं ठीक हुई तो ये मेरी मुसीबत है, मेरे साथ रहेगी, लेकिन इन मक्कारों को मैं उसकी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगा, उसे कह दो फौरन निकल जाए यहां से। आप एक बार मिल तो लीजिए, वो बहुत बड़े शास्त्री है, वो उमक्का को जरूर अच्छा करेंगे। अच्छा तो तुम चाहते हो मैं खुद उसे निकाल दूं? ठीक है चलो। देखिए रामा ने आपको गलती से बुला लिया है, हमें किसी मांत्रिक वांत्रिक की जरूरत नहीं है, मुझे अफसोस है आपको तकलीफ हुई है, लेकिन आप जा सकते हैं। रामा ने कोई गलती नहीं की, लेकिन आप भारी भूल करने जा रहे हैं, मुझे मालूम है इस घर में मेरी सेवा की जरूरत है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी लड़की को इलाज के लिए विलायत ले जा रहा हूँ और मुझे इन बातों पर विश्वास भी नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं आपकी मानसिक स्थिति अच्छी तरह समझ रहा हूँ, रामा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप इतनी देर क्यों करना चाहते हैं जिससे कोई भला आपका सर्वनाश कर दे। मैंने 25 वर्ष लगाए हैं इस ज्ञान को हासिल करने में, सिर्फ बेचैन आत्माओं को इंसान से दूर रखने के लिए। मैं पूरी तरह जान गया हूँ आपका कुटुंब पीड़ित है, तुम इस घर के बैठे हो। बेटे सुनो, अपनी छत पर जाकर देखो, किसी पूर्वी कोने में तुम्हें कुछ मिलेगा, उसे ले आ। हाँ। क्यों बेटे कुछ मिला? हाँ ये लींबू। श्री गणेश जी की कृपा। बेटे तुम्हारे आते में जितने भी पेड़ हो अब उनमें देखो, किसी न किसी पेड़ में जरूर कुछ होगा, क्या तुम ढूंढ सकोगे? हाँ अभी ढूंढ के लाऊंगा। देखिए आपके घर में इस बला की जड़ें मौजूद हैं, इन्हें फौरन जला देना चाहिए, न जानकारी और अंधविश्वास
दोनों से इस बुराई की जड़ें मजबूत होती हैं। चलिए हम भी बाहर चलते हैं। मैं उमा के पास जाती हूँ। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ मिल गया मिल गया। जल्दी नीचे आ जा। हाँ बाबा। श्री गणेश बहुत दयालु हैं। इसे जला देने से आपकी लड़की की जान बच जाएगी, लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा। इस आत्मा को किसी ने अपनी ताकत से भेजा है लड़की के शरीर में बस जाने के लिए। यह आत्मा बेचैन होगी, कहीं की न रहेगी। ले लीजिए। मुझे इसे मुक्त करना होगा, जिससे आपकी बच्ची पूरी तरह अच्छी हो जाए। रामकृष्ण अग्नि। लेकिन ये सब यहाँ करने दीजिए ना डैडी। परेशान मत होइए, कल सवेरे उमक्का के स्नान के बाद आप सब लोग मेरे घर आइए। मैं इस आत्मा को निकालने के लिए पूजा करूंगा। लेकिन ये सब। प्लीज डैडी, उनकी बात मानिए। इनकार मत कीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। इनके धुआं होते ही आपकी आधी मुसीबत खत्म हो जाएगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम बोलो? मैं मां रुद्रा की आत्मा हूं। कहां के रहने वाले थे? देवोर। तुम्हें यहां किसने भेजा है? मैं पूछता हूँ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ये मैं नहीं बता सकता। तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, करो नहीं। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मुक्ति दे सकता हूँ। तुम्हारा मालिक इतना ताकतवर नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताओ, उसका नाम बताओ। नहीं बताओ। नहीं नहीं, मुझे मजबूर नहीं करो, छोड़ दो मुझे। जब तक नाम नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? बताओ बताओ। अरे चाचा, राम ज्यादा मैं नहीं डरता तेरे से। हलकत किसी और को डरा है? तुम्हें बताना पड़ता है और तुम जरूर बता के रहोगे। बताओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। तो फिर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? एक मांत्रिक ने, मुझे जाने दो। लेकिन उस मांत्रिक से किसने कहा था? मैं नहीं जानता, किसी ने नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ सच सच, नहीं तो बहुत बुरी सजा दूंगा। बताओ। नहीं, 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 बस बताता हूँ, मेरे गांव के बसवा ने मुझे भिजवाया था। बसवा? इस कुमारी लड़की के शरीर में रहने के लिए भिजवाया था? मुझे भिजाने दो। तुमने बहुत हैरान किया है अब तक। मैं तुम्हें 100 साल के लिए किसी अंधे कुएं में लटका दूंगा। खूब तड़पोगे, खूब चिल्लाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, बहुत थक गया हूं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा था? बोलो। मुझे मालूम नहीं था, उसने अचानक पकड़ लिया। मुझे कोई नहीं समझता था। जब गांव में रहता तो यही हाल था। इस मासूम को हैरान करने के लिए तुम्हें 100 साल तक। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, जो कहोगे वही करूंगा, लेकिन मुझे इस शरीर में रहने दो। मुझे बहुत चैन मिला है इसमें, मुझे इससे पहले कुछ नहीं मिला। मैं किसी को हैरान नहीं करूंगा, मुझे यही रहने दो। नहीं नहीं मानोगे तो अंधे कुएं में ही लटकते रहना पड़ेगा, और ये सजा तुम्हारे अपने मालिक का काम करने से भी ज्यादा बदतर। नहीं नहीं, मैं जाने को तैयार हूं, मुझे जाने दो, मुझे मुक्त कर दो। मैं अपने मांत्रिक के पास वापस नहीं जाना चाहता, मैं अंधे कुएं में भी नहीं लटकना चाहता। मुझे बचा लो, मुझे मुक्ति दे दो। धोखा तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मैं धोखा नहीं करूंगा। तुम्हारे जाने की पहचान क्या होगी? बाहर बाहर पेड़ से एक नारियल गिर पड़ेगा। जाओ, हमेशा के लिए चले जाओ, कभी वापस मत आ, नहीं तो 100 साल के लिए तड़पोगे। ये श्राप रहेगा तुम्हारे ऊपर अगर तुम बदल गए। जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा।
आगरा। आपकी मुसीबत दूर हो गई है। कुछ बेचैन आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं। लोग उन्हें काले जादू की शक्ति से पकड़ लेते हैं और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुराने जमाने से चला आ रहा है। नहीं, मेरे सामने सर मत झुकाइए, यह भगवान श्री गणेश जी की कृपा है, उन्हें प्रणाम कीजिए। मैं तो आप ही की तरह एक इंसान हूं। आपकी दक्षिणा? नहीं, मुझे दान दक्षिणा देने की कोई जरूरत नहीं।